हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट वन का TR कब जारी होगा और आप इसको कैसे देख सकते हैं, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट टू और पार्ट थर्ड का एडमिशन कब होगा ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी का इस चैनल पर मिलता रहेगा। और आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है पार्ट वन का TR अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसी दिन भी आ सकता है। वो सभी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेजों में भेज दिया जाएगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह किसी दिन भी। उसके बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद आप किसी भी दिन जाके अपना TR कॉलेज में देख सकते हैं। और पार्ट टू के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया है एडमिशन कब से होगा, लेकिन पार्ट थर्ड के लिए आ गया है और बहुत से कॉलेजों में पार्ट थर्ड का एडमिशन भी हो चुका है और बहुत से कॉलेजों में अभी एडमिशन होना बाकी है। और जो भी एडमिशन नहीं कराए हैं पार्ट थर्ड में उसका एडमिशन जो है 5 से लेकर 10 तक है और वो जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी सूचना है, अगर आप पार्ट वन में प्रमोटेड हैं या फेल हो चुके हैं किसी विषय में तो आप अपना फॉर्म पार्ट थर्ड में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इसलिए अगर जिसका पार्ट वन में प्रमोटेड है साइंस वाले कॉमर्स वाले का तो पार्ट वन का रिजल्ट आ चुका है और बैक वाला का, और उसके बाद आर्ट्स वाले का भी अप्रैल में 1-2 अप्रैल को वो भी आ जाएगा। और आप अपना रिजल्ट जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसी दिन भी जाके देख सकते हैं। पास हुए अगर हो गए होंगे तो आपका जो है वो पार्ट थर्ड में एडमिशन ले लिया जाएगा। और कभी भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है TR ऑनलाइन जारी नहीं करता है, जब भी करेगा वो ऑफलाइन के द्वारा ही आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे चैनल पे। बाय, तब तक अपना ख्याल रखें।